Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. आज की ये वीडियो है अबाउट टाइप्स ऑफ ITR returns और ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाई गई है NetJRF 2023 को देखते हुए, उसकी प्रिपरेशंस को देखते हुए. हमें पता है कि ये क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली आता है, तो अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज. If you like this video, then do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. So, सबसे first हमारे पास जो ITR है वो है ITR 1, which is also known as Sahaj and it is applicable for individual. This return is applicable for resident individuals having total income from any of the following sources up to 50 lakh. ठीक है, चाहे वो सैलरी या पेंशन से आता हो, चाहे वो वन हाउस प्रॉपर्टी से आता हो, या अदर सोर्सेज. अदर सोर्सेज में है इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एक्सेट्रा, या फिर एग्रीकल्चरल इनकम अप टू रुपीज 5000. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ITR 1 कैन नॉट बी यूज बाय अ पर्सन हु फर्स्ट अ डायरेक्टर इन अ कंपनी has held an unlisted equity share at any time during the previous year, has any asset located outside India, has signing authority in any account located outside India, has income from any source outside India, is a person in whose case tax has been deducted under section 194N, is a person in case whose case payment of deduction of tax has been deferred on ESOPs, who has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income. अब आपको पता होना चाहिए अगर आपने previous year paper solve किया है कि ये ITR 1 that is Sahaj बहुत important है. Next पे आ जाते हैं. अब ITR 2 की बात करते हैं. It is applicable for individual and HUF. This return is applicable for individual and HUF not having income under the head profit and gains of business or profession. जिनकी इसके अंदर नहीं आती है income and जो ITR 1 नहीं भर सकते वो ITR 2 भरते हैं. अब ITR 3 applicable for individual and HUF लेकिन having income under head profit and gains of business, जो यहाँ नहीं थे ना वो यहाँ भरते हैं अब. And who is not eligible for filing ITR 1, 2 and 4. अब ये बहुत important है, question direct आ सकता है कि ऐसे individually HUF जो who are not eligible for filing ITR 1, 2 and 4 उनको कौन सी, क्योंकि out of 7 आप क्या लिखोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए exactly. So ITR 4, 1 के बाद ITR 4 is considered very important. उसका नाम था सहज, इसका नाम है सुगम. और इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एच यू एफ एंड फॉर्म्स बट अदर देन एल एल पीज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल एच यू एफ हु इज रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ अ फॉर्म अदर देन एल एल पी विच इज अ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख. अब ये याद रखना है 50 लाख की इसकी लिमिट है. एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड ऑन द प्रिजम्प्टिव बेसिस अंडर सेक्शन, आप ये देख सकते हैं. एंड इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, इन सबको इसी में ही भरना होता है. तो सैलरीड, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000. अब जो आपने ITR के अंदर, ITR 1 के अंदर नोट पढ़ा था वही ITR 4 में है, सेम टू सेम. ठीक है, अब ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके. और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आपके पास कि प्लीज नोट दैट ITR 4 सुगम इज नॉट मैंडेटरी. इट इज सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्म टू बी यूज्ड एज एन SSC एट हिज ऑप्शन. If he is eligible to declare profit and gains from business or profession on presumptive basis, all right? तो ITR 1 था हमारे पास सहज, ये है सुगम. ITR form 5 is applicable for artificial judicial person, business trust, estate of insolvent, estate of deceased और LLPs. देखिए यहाँ पे आता है आपके पास, तो ये आपको याद रखना है. इसमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड LLPs. ठीक है, और एक आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी जरूर कंसिडर कर लीजिएगा. ओके,
नाउ आईटीआर 6 एंड 7, तो इसका मतलब टोटल आईटीआर कितनी होती है, 7 होती है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया है आईटीआर 1 सहज और आईटीआर 4 है हमारे पास. क्या नाम है आप बताएंगे आप मुझे, ठीक है. चलिए आईटीआर 6 क्या है आपके पास, फॉर कंपनी दैट आर नॉट क्लेमिंग एग्जेम्पशन रिलेटेड टू सेक्शन 11 ऑफ द आईटी एक्ट 1961. फॉर्म्स दैट आर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स अंडर दिस सेक्शन कैन ओनली डू इट इलेक्ट्रॉनिकली. और आईटीआर 7 है यहाँ पर आपके पास, ये 7 वाली है, इंडिविजुअल इन फॉर्म्स दैट हैव फर्निश्ड रिटर्न्स रिलेटेड टू सेक्शन 139(4)(4)(a)(4)(f). सो या गाइस, ये छोटा सा एक वीडियो था, लेकिन ये आपको भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको बार बार देखिएगा ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है. इसमें जितने भी प्रोविजन्स थे वो सब मैंने डाले हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा.